सर आपने नई शिक्षा नीति की बात की, कितना कठिन कितना आसान है इसका इम्प्लीमेंटेशन? नई शिक्षा नीति हम ला रहे हैं जो 32 वर्षों के बाद आ रही है, देश के विभिन्न क्षेत्रों में उसका बहुत स्वागत हो रहा है। हमारे पास सुझाव भी आ रहे हैं, 70,000 से अधिक सुझाव हमारे पास आए हैं। बहुत जल्दी हम इसको एक अंतिम मसौदे के रूप में फाइनल करेंगे और फिर देश को समर्पित करेंगे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। राइट टू एजुकेशन की अगर बात की जाए, इसका एक्सटेंशन 18 साल तक के बच्चों के लिए भी होना चाहिए, किस तरह का इम्पैक्ट देखते हैं आप? हम लोगों का पहले उसको सुदृढ़ करने का है। हाँ, ये जो सबके लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो केवल 8 तक है, अब लोगों की मांग है कि इसको 10 तक कर दिया जाए। एक बार विचार विमर्श करके उसको बाद में फैसला लेंगे। वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए भारत में। पहले लक्ष्य है टॉप 100, फिर टॉप 50 और उसके बाद टॉप 20, टॉप 10। क्या रास्ता है विश्वगुरु बनने का? विश्वगुरु थे, हम विश्वगुरु हैं और हम विश्वगुरु रहेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, एक ओर हम ये कहते हैं और दूसरे में पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के चलते हैं। इतना बड़ा विजन है हमारा, इसीलिए हम विश्वगुरु कहलाए हैं और उस रास्ते पर हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। देखिए खास मुलाकात डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, मानव संसाधन विकास मंत्री के साथ, केवल राज्यसभा टीवी पर।